हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से जनों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि आप हमें बताइए कौन से बुक्स रेफ़र करने चाहिए, और अब जो है हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए CSEET के लिए, और क्या CSEET टफ़ है या इजी है क्लियर करना। तो सबसे पहले CSEET क्लियर करना बहुत ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। आपको अकाउंट्स है भी नहीं, ओके? सो एक सिर्फ प्रॉब्लम आ सकती है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एंड अब जो है आपको कौन से बुक्स रेफ़र करने चाहिए, तो ये भी जो है आप में से बहुत से जनों को मैंने कहा था जब आप लोगों ने मैसेज किया था कि आपको जो पेपर्स है ना उसके जो है कुछ चैप्टर्स जो है आपके ICSI के स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर देना है, ठीक है, ICSI की वेबसाइट से। तो अब जो आपका पेपर वन है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, ओके? सो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, इसमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। इसका स्टडी मटेरियल जो है आपको CS फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल आपको इसका यूज़ करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन का। आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ गूगल में क्या लिखना कि ICSI CS फाउंडेशन स्टडी मैट आपको जो है मिल जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन आप डाउनलोड कर देना। ये चारों के चारों टॉपिक्स जो है उसमें स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है, ओके? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन एसेंशियल ऑफ इंग्लिश, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। फोर्थ चैप्टर मुझे लगता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी नहीं होगा, बट ये तीनों इंक्लूडेड है। एंड एसेंशियल ऑफ इंग्लिश में क्या है, आपको जो है सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं, देन ग्रामर, देन उसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, एंड देन चेंज द वॉइस, तो ये सब है। एंड उसके बाद है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन है, एंड उसके फीचर्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद थर्ड है आपका, वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर्स, ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो है आपको पूरा एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। अब देखो एग्ज़ाम में जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए लाइक हमने CS फाउंडेशन में भी दिया है तो कभी भी ना लेटर्स नहीं आते, सिर्फ क्या पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का लेटर है, ये कौन से टाइप का लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है या ये इनफॉर्मल लेटर है, ओके? सो बिजनेस करस्पॉन्ड सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका ये पेपर वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप इसमें से इजीली 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो, इतना ईजी सब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम भी प्रिपरेशन करते हो या उसमें स्कोर कम आता है तो इसमें इतना अच्छे से करके जाओ, और ये इतना ईजी है कि आप आराम से 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो, ओके? अब उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद हो गया आपका पेपर टू जो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो अब इसमें देखो गाइस, इसमें जो है मैंने पहले भी कहा था आपको, जब हमने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको लॉ में से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए या MCQs आए, ओके? एंड लीगल एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का है एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अब एंड जनरल लॉ, ओके? अब देखो आपका टॉपिक वन है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक देखो इंस्टीट्यूट के तरफ से कोई भी बुक्स आए नहीं है, ओके? एंड चांसेस है नेक्स्ट मंथ आ जाए, आप फ्रीली डाउनलोड कर सको या पे करना पड़े, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कहाँ से बुक मिलेगा ये चैप्टर, आपको जो है देखो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना आप क्या करो, CS एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस में ना एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ, ठीक है? तो उसमें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर था, तो आप उसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड करो, जाके गूगल में लिखना ILGS स्टडी मैट CS, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जनरल लॉ में आपको क्या है, जनरल लॉ में देखो आपको दो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स मतलब इसमें है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड उसके बाद है आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपको CS फाउंडेशन का लॉ का बुक जो है डाउनलोड करना होगा, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आपको जो है सेम मैंने जो कहा ना ILGL का बुक डाउनलोड करो वो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशंस। अब इसके लिए देखो क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट का ना चार्टर्ड सेक्रेटरी एक मैगजीन आता है, या वो तो सब्सक्रिप्शन लेके हुए आपको मिल जाएगा, या आप क्या करो इंस्टीट्यूट की ना एक एनुअल रिपोर्ट्स या
जर्नल्स जो है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोडेड होते हैं उनकी पब्लिकेशंस, तो आप वो रेफ़र करो, उसमें आपको जो है इंस्टीट्यूट के सारे जो है ICSI क्या है, उसकी रेगुलेशंस क्या है, कौन सी एक्ट है, देन उसके जो है मोटिव्स क्या है, विजन क्या है, ये सब। तो इसके ऊपर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ आप इसके लिए सेम CS फाउंडेशन का जो है लॉ का बुक डाउनलोड कर लेना। इसमें जो है कंपनी लॉ में आपको क्या है लाइक आपको क्या स्टडी करना चाहिए, लाइक मीनिंग क्या है, देन टाइप्स क्या है कंपनीज की, बोर्ड की मीटिंग्स क्या है, ये। तो लॉ भी देखो, लॉ में भी स्कोर करना इजी है, कुछ है नहीं, आप ये 25 मार्क्स आपके हाथ में है, ओके। बट ये है यहाँ पे MCQs भी आ सकते हैं, देन इसके बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में दिया था MCQs भी आएंगे, एंड क्या आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, देन उसके बाद वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स भी आएंगे, एंड आपको अकॉर्डिंगली आंसर चूज करना है, ओके। अब जो है सबसे दूसरे सब्जेक्ट पे भरने से पहले हमारा एक लॉजिकल रीजनिंग बाकी है। लॉजिकल रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का आने वाला है, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए आपको। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने आर्ट्स जो है पढ़ना चाहिए इसके लिए। एक और चैप्टर है आपका लॉ में, सॉरी मैंने मिस कर दिया, वो है आपका फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है लीगल रीजनिंग, ओके। तो लीगल रीजनिंग में आपको केस लॉस आ सकते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल जो है एविडेंस क्या होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको जो है ये अब कहाँ से मिलेगा इसका स्टडी मैट, मुझे भी नहीं पता है इन एक्चुअल, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं हमें भी चैप्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट कर सकता है इसमें, तो इसके लिए ना वेट करो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के लिए, उसमें से ही आपको रेफ़र करना होगा। दूसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग जो कि है 25 मार्क्स का। अब लॉजिकल रीजनिंग इज़ टफ, लॉजिकल रीजनिंग टफ है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको जो है जिसकी मैथ्स अच्छी होगी वो इजीली क्रैक कर लेगा इसके क्वेश्चंस, बट जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उसको टाइम लगेगा, तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं एक सजेशन दूंगी एग्ज़ाम में लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपकी मैथ्स वीक है या मैथ्स आपकी स्ट्रांग भी है, ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट ना करें, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, इट इज़ बेस्ट, ठीक है। आप पहले थियोरी पूरे कंप्लीट कर लेना जो भी क्वेश्चंस है, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट करना। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें से है आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, लाइक आपको ये जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इसका स्टडी मैट देखो, अब लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी स्टडी मैट है नहीं, इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ओके। तो आप क्या करो, आप जो है इसके डेली ना प्रैक्टिस, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चाहिए, तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे एक एक टॉपिक सर्च करो जो भी दिया हुआ है, एंड सम सॉल्व करो, यही बेस्ट है गाइज। लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे जैसे आपको टॉपिक्स दिए हुए, टाइम, देन डिस्टेंस, कैलेंडर, ये सब टॉपिक्स है, आपने जो है आई होप सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको फ्री में मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स ये लॉजिकल रीजनिंग के, आप सम सॉल्व करो, कहाँ से आएगा इसका कोई स्टडी मैट नहीं है, ओके। एंड अब दूसरा सवाल आता है आपको जो है कितना आवर्स पढ़ना चाहिए एंड कितना जल्दी आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ओके। सो अब जो है आप में से बहुत से जो बच्चे हैं वो मई में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या बहुत से बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या नवंबर या जैन में, ओके। सो अभी देखो, अभी क्या है, अभी है फेब, ओके, एंड फेब है आज 15, ओके। सो आप जो है एक अपना मिशन बनाओ कि हम जो है 20 फेब से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, या 17 फेब से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, एंड आपका इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 10th में, ओके। तो 10th में यानी कि अभी आपके पास कितने मंथ्स है, अगर हम फेब को काउंट ना करें तो आपके पास है 2 मंथ्स, ठीक है। कौन से, मार्च एंड अप्रैल, ये मैं मई वालों के लिए बोल रही हूँ, एंड जो जुलाई होंगे उनके लिए मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, उनको 4 मंथ्स है, ओके। तो वो आराम से डेली, अगर आप जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको डेली 2 आवर्स जो है स्टडी करना चाहिए, एंड डेली लॉजिकल रीजनिंग के सम सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड जो मई में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब देखो आपको जो है ना डेली कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको जो है डेली एटलीस्ट 5 आवर्स या 4 आवर्स जो है आप स्टडी करो, ओके। एंड इसका कहीं भी क्लासेस मत ढूंढो गाइस, ये आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, अकाउंट्स भी नहीं है इतना, ओके, अकाउंट्स तो है ही नहीं जहाँ तक मैं बात करूँ तो बेटर है आप जो है पूरा थियोरी है, ओके। आप जो है क्या करो, डेली एक प्लान बनाओ कि आज मैं बिजनेस कम्युनिकेशन करता हूँ, तो उसके साथ डेली आपको
लॉजिकल रीजनिंग करनी ही है. ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ आज लॉजिकल रीजनिंग, तो कल जो है मैं लीगल एप्टीट्यूड करूँगा, तो उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट. ओके, ऐसे जो है आप 7 डेज के लिए प्लान बना के रखो, या डेली अपने प्लान जो सब्जेक्ट करना है, दो सब्जेक्ट आप डेली करो. ओके, एंड 7 डेज में एक बार रिविजन करो. तो यही एक स्ट्रैटेजी है. एंड अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक फेब से या मार्च से, डेली 3 आवर्स भी करोगे ना, तो इट इज़ मोर देन इनफ. एंड आप जो है ट्राई करो इसका सिलेबस 30 डेज में कम्प्लीट करने का, क्योंकि इसका सिलेबस 30 डेज में कम्प्लीट हो सकता है. ओके, एंड फिर आप जो है अप्रैल को क्या करो, अप्रैल में 15 डेज जो है ना, लास्ट के 15 डेज वो रिविजन के लिए रखो. ओके, सो अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए और अच्छे से, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. ओके, आप कमेंट डाउन करना, क्योंकि मैंने ये जो प्लान बताया वो बेस्ट है, बट अब जो है हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको बताना कि कौन सा टाइम उसके लिए कन्वीनियंट है. ओके, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात आती है. अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. अब देखो इसमें जो है ना आपका इकोनॉमिक्स है वो 25 मार्क्स का है. ओके, एंड उसके बाद जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी 25 मार्क्स का है. ये भी बहुत इजी है, बट इकोनॉमिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो 25 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स है. ओके, अब इसमें क्या है, अब इसका स्टडी मैट आपको जो है सी एस फाउंडेशन का जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का आप स्टडी मैट डाउनलोड कर लेना, एंड वो भी फ्री में हो जाएगा. एंड उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट का भी आपको स्टडी मैट सी एस फाउंडेशन का आप डाउनलोड कर लेना. ओके, एंड सारे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं ना वो सी एस फाउंडेशन के. इकोनॉमिक्स में तो आपका क्या एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, देन उसमें टॉपिक्स देखो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई. ओके, एंड देन नेशनल इनकम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके रिलेटेड ही MCQs होंगे. एंड बिजनेस एनवायरमेंट में देखो आपको नोट्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, MCQs, क्योंकि इस टेस्ट के लिए आपको MCQs सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए. तो बिजनेस एनवायरमेंट के ना MCQs कुछ दिनों बाद मैं ही जो है अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे. ओके, एंड उसके बाद जो है आप देखो इकोनॉमिक्स के लिए भी जो है अगर MCQs आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बहुत से गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको फ्रीली भी मिल जाएंगे. एंड इकोनॉमिक्स आपकी इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है. ओके, बहुत ईजी है, क्योंकि आपने जहाँ तक 12th अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपने ये सब टॉपिक्स किए हुए हैं. ओके, सो यही है और कुछ भी नहीं है. एंड अब इसमें जो है देखो ये 50 मार्क्स का है, तो ये भी स्कोरिंग है. ओके, सो आपको इसको भी स्किप नहीं करना है. ऐसे नहीं कि आपने 12th किया हुआ है तो अभी तो मैंने इकोनॉमिक्स की है ओके तो मैं क्यों करूँ, नहीं. आपको जो है सी एस फाउंडेशन का स्टडी मैट डाउनलोड करना और उसमें से स्टडी करना तो बेस्ट होगा. जब तक आपका बुक आए नहीं आए कुछ भी पता नहीं है. ओके, तो इसके लिए आप डाउनलोड करके स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. एंड बहुत ईजी है, बहुत से बच्चों को थियोरी में प्रॉब्लम होता है बट आपको नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आपको जो ये इंटरेस्टिंग लगेगा. अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर है पेपर 4 करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तो करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का आने वाला है. तो इसके लिए मैं कहूँगी आप न्यूज़पेपर रीड करो एंड नेशनल जो भी न्यूज़ है अब उससे अपडेटेड रहो, कंट्री में क्या चल रहा है. एंड जब तक स्टडी मैट नहीं आता है तब तक तो आपको अपडेटेड रहना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें. ओके, एंड जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके रिलेटेड आप सर्च करो. ओके, एंड उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन, अब ये 30 मार्क्स का है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी जो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे. ओके, देन उसके बाद आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है, जैसे कि सपोज एक ऑडियो क्लिप चलेगी. ओके, एंड देन वो ऑडियो क्लिप सुन के लाइक उसमें क्वेश्चन होगा एंड अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. ओके, इजी है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. 20 मार्क्स का है, ठीक है, तो 20 मार्क्स हमें वेस्ट नहीं करनी है. अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब आपको जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसा करना चाहिए. लाइक आप में से बहुत से जन पूछ रहे थे कि इजी है कि टफ है. बहुत इजी है गाइस, सिर्फ अपना लॉजिकल रीजनिंग इजी नहीं होता है. अब उसके वो भी 25 मार्क्स है, बट 25 मार्क्स भी कुछ कम नहीं है. 25 मार्क्स से आप पास हो सकते हो और फेल हो सकते हो. ओके, तो उसको जाने नहीं देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके लिए मैंने कहा आप डेली प्रैक्टिस करिएगा. ओके, एंड अब आपको जो है देखो 200 मार्क्स है, आपको जो है एम रखना है कि आप ना 150 मार्क्स लाओ. ओके, ऐसे नहीं है पास ही होना है, नहीं, आपको 150 मार्क्स लाने. आप आराम से इसमें 150 मार्क्स ला सकते हो. ओके, सिर्फ ज़रूरत क्या है, आपको डेली आप जो है जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करिए एंड MCQs भी इसके सॉल्व करिए. MCQs आप खुद बनाइए एंड सॉल्व करिए जब तक स्टडी मैट नहीं आता है. ओके, एंड इसमें जो है ऐसे नहीं है कि पास होना डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको तो अकाउंट्स भी नहीं है तो बहुत ईजी है. आराम से 1 मंथ आप प्रिपेयर करोगे तो आराम से इसको क्रैक कर सकते हो. तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड एम करो कि 200 में से एटलीस्ट हमारी 150 या 175 आए. अब कैसे आ सकती है,
देखो सिंपल है, आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन है 50 मार्क्स है, 50 में से तो आप आराम से 40 ला सकते हो. ओके देन उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड है, इसमें भी आपके पास 25 मार्क्स हो गई, सॉरी 50 मार्क्स है बट लीगल एप्टीट्यूड, अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं है तो 25 मार्क्स इसकी भी, तो इसमें भी जो है आप 75 आपका यहाँ पे ही स्कोर हो गया. देन उसके बाद आपका पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें भी आप इजीली 50 में से 40 ला सकते हो, 50 में से 50 भी ला सकते हो. ओके तो यहाँ पे ही कितनी मार्क्स हो गई, सपोज मेरी 50 बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस कम्युनिकेशंस में भी मेरी 50 ओके आउट ऑफ आ रही है. एंड उसके बाद जो है लीगल एप्टीट्यूड यानी कि कितनी मार्क्स आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो है 125 मार्क्स हाथ में. ओके लॉजिकल रीजनिंग मैंने काउंट नहीं किया. ओके तो 125 मार्क्स तो इसी सब्जेक्ट की हो गई, तो आप ध्यान दो. ओके एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, एंड इन सब्जेक्ट्स में आपकी ये जो एडवांटेज है ठीक है, सिर्फ एक लीगल सॉरी लॉजिकल रीजनिंग आपको एक वीकनेस हो सकती है, बाकी ये सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है. तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, बेस्ट है आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना. आधे से ज़्यादा जन जो है मुझे यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आपको आपका जो है रिप्लाई भी मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस.